क्लास 9 हिंदी गोधली का ये पहला अध्याय है कहानी का फ्लैट, और इस अध्याय के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में उनवास गांव में, और ये बक्सर बिहार में पढ़ता है। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। तो ये तो हो गई लेखक के बारे में, और हम यहाँ पे इस अध्याय यानी कहानी के फ्लैट का सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आप इस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ताकि आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आ जाए इसका आंसर। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी जो कहानी का फ्लॉट है, जो कहानी है, श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते, लेखक की यह आरंभिक रचना है। इन्हीं कारणों से लेखक ने ये कहा है कि कहानी लिखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है। तो यही हो जाता है पहला का आंसर। तो आइए इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। तो इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, लेखक ने भागजुगनी नाम ही क्यों रखा। तो ये रहा इसका आंसर, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसमें लेखक ने महिला पात्र का नाम भागजुगनी रखना सार्थक लगा। लेखक ने उसकी स्थिति, गरीबी एवं विवस्था में उसकी सुंदरता लुप्त होना भागजुगनी नाम सार्थक लगा। तो इन्हीं सब कारणों पर ध्यान रखते हुए लेखक ने उस महिला पात्र का नाम रखा भागजुगनी, ठीक है। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस दरोगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी ये बताना है। तो आपको आंसर इस प्रकार लिखना है, दरोगा जी के पास एक घोड़ी बची थी जो थी महज 7 रुपये की थी, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निम्बुआ नोट चटा दिया, ठीक है, निम्बुआ नोन चटा दिया, इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुक गई, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उत्तीर्ण हुए, यानी वो ऋण से मुक्त कैसे हुए। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को इसका मतलब समझ में ना आए, इसका मतलब होता है उस ऋण का मतलब क्या होता है। आइए यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, शब्दकोश में आपको देख लेना है, यह देखिए उस ऋण का मतलब होता है ऋण से, यानी ऋण से मुक्त, ठीक है। तो आपको इस प्रकार आंसर लिखना है कि मुंशी जी ने एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर, ठीक है, यानी अच्छी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई के ऋण से मुक्त, यानी ऋण से मुक्त हो गए, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 6 प्रश्न, थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो ये रहा 6 का आंसर। देखिए यहाँ पे दरोगा जी के रहते मुंशी जी की मौज मस्ती उनके मरने के बाद सारी खत्म हो गई, तो इसी संदर्भ में ये बातें कही गई है। इसके बाद देखिए 7 प्रश्न, मेरी का लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। तो लेखक के ऐसा कहने का मुख्य कारण है जो भागजुगनी यानी मुंशी जी की जो गरीबी थी वो देखते हुए। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, देखिए भागजुगनी एक ओर उसकी अनोखी सुगराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख यहाँ पे इसके बाद देखिए देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी की व्यावाने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारने सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। तो मुख्य कारण है जो गरीबी है उस देखकर, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है, भागजुगनी की सौंदर्य और उसके साथ भयावह गरीबी को देखकर ये लेखक ने बात कही है। तो ये सारे आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए 8 प्रश्न, भागजुगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका।
तो भागजोगनी का जो सौंदर्य है वो नहीं खिल सका, इसका मुख्य कारण है गरीबी। ठीक है, तो आपको ऐसे आंसर करना है, भागजोगनी का सौंदर्य नहीं खिलने का मुख्य कारण गरीबी है। ये बात लिखते हुए आपको यहाँ से लिखना है, वह तो दाने दाने को तरसती रहती, एक भी तक कपड़े के लिए मोहताज थी, सिर पर लगाने की एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो गया था। ठीक है, महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न लाले पड़े थे, तो इसी सब के कारण उसका सौंदर्य नहीं खिल सका। इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? तो सबसे पहले देखिए, अभी उत्तर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे देखिए, किसी दिन दिन भर घूम घूम कर कौन भगजुगनी जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ में कहती, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ कि जी चाहता है गल फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूँ। ये कौन कह रहा है? ये मुंशी जी कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, भागजोगिनी की दशा अर्थात भूख, दिन भर घर घर घूमकर शाम को जब खाने के लिए नहीं मिलता तब भागजोगिनी मुंशी से खाना मांगती, तब मुंशी को उसकी दशा देकर गल फांसी लगाने का ख्याल और नदी तालाब में डूब मरने का ख्याल आता। ठीक है, यही लिखना है आपको। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, भागजोगिनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है, यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो ये रहा इसका आंसर, भागजोगिनी की शादी वृद्ध से हुई थी जो उसके तवड़ाई आते मर गया। आज वह युवती है, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा, यही समाज की नियति है और इस वातावरण में जीने को मजबूर है। इसके बाद देखिए 11 नंबर, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ इसका। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 12, आयस स्पष्ट करना है। यहाँ पे पहला पंक्ति देखिए है, ये रहा और ये दूसरा रहा, इनका क्या मतलब है, ये कवि क्या कहना चाह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से, ये हमें बताना है।